हेलो, आज से हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे चर्चा शुरू करेंगे। सामान्यतः इसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और मैंने यही आपसे प्रॉमिस भी किया था जब हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग प्राइमरली फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सोनॉमी पे बातचीत कर रहे थे, उसके कंप्लीशन के बाद मैंने यही प्रॉमिस आपसे किया था कि एक दो पार्ट पे हम लोग चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। एक तो साइटोलॉजी होगा और दूसरा जो यूनिट वन है दैट विल कंटिन्यू एवरी अल्टरनेट डे। हम लोग कोशिश करेंगे कि साइटोलॉजी का लेक्चर अपलोड हो और दूसरे अल्टरनेट में जो टैक्सोनॉमी है उससे रिलेटेड चैप्टर पे चर्चा जारी रहेगी। साइटोलॉजी में जो मैंने कहा कि ये यूनिट थ्री का हिस्सा होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें सेल सेल रिप्रोडक्शन के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी आप देखते हैं, और अभी आप जो पार्ट देखेंगे दैट विल बी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर देखेंगे आप बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद फिर उसके बाद की चर्चा होगी। वो सेल में जो सबसे पहली बात होगी वो डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर के होगी। हालांकि मैं बायोलॉजिकल हिस्ट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, और मैं भरसक ये डिस्करेज भी करता हूँ कि आप हिस्ट्री ज़रूर जानिए लेकिन वो प्रायोरिटी में नीचे रहनी चाहिए। जब भी आप तैयारी करें तो तैयारी के क्रम में हिस्ट्री जाननी चाहिए आपको। आई डोंट रिजेक्ट द आइडिया दैट वन शुड नॉट प्रिपेयर द यू शुड नॉट बी वन शुड नॉट बी अवेयर ऑफ हिस्ट्री, मैं ये नहीं कहता हूँ, आई नेवर से दैट वन, लेकिन प्रायोरिटी में उसको नीचे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चर्चा हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पे जो कर रहे हैं उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपको ये बात इससे स्पष्ट होगी कि कितना लंबा इतिहास इस पूरे ब्रांच के पीछे है। सेल को लेकर के आप देखें तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए क्रेडिट हम लोग देते हैं रॉबर्ट हुक को, और ये काम 1665 का है। उन्होंने एक सेक्शन लिया था, थिन सेक्शन लिया था उन्होंने, इसका थिन सेक्शन था, इट वाज ऑफ कॉर्क, और उस कॉर्क में उन्होंने बहुत सारे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखे, और ये जो चैम्बर की तरह की रचनाएं थी, एवरी चैम्बर वाज सराउंडेड बाय थिक वॉल, और उसी के लिए उन्होंने टर्म प्रपोज किया था सेल्यूलर। तो जो सेल्यूला शब्द आया बेसिकली वो सिनोनिमस है जो आज की तारीख में जिसे हम लोग सेल कहते हैं उससे। तो क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक, हम लोग पूरा श्रेय देते हैं रॉबर्ट हुक को कि उन्होंने सेल को खोजा, और उसके पीछे जो उनका ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन यही था कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने बहुत सारा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखा, हनीकम लाइक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर देयर एंड एवरी चैम्बर वाज सराउंडेड बाय थिक वॉल, और उसी को कहा गया कि ये क्या है। ऐसे तमाम चैम्बर्स के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था सेल्यूली, और वो प्रत्येक एक यूनिट जो होगा दैट विल बी सिनोनिमस टू सेल। जहाँ तक लीवेनहुक साहब का सवाल है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लाइव सेल, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। वो जो स्वतंत्र सेल जो थे, बैक्टीरिया जो था, प्रोटोजोआ था, आरबीसी था, इस तरह के सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले वो पहले शख्स थे। रॉबर्ट ब्राउन को हम लोग क्रेडिट देते हैं फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग सीधे शिफ्ट करेंगे सेल थ्योरी पे। जहाँ तक बाकी ऑर्गेनेल के खोजने वालों का सवाल है उसको हम लोग चैप्टर के लास्ट में समराइज कर देंगे, एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाएगा। बीच में सामान्यतः हम लोग अवॉइड करेंगे, सामान्यतः अवॉइड किया जाएगा उसकी हिस्ट्री के पीछे भागने की क्रिया को उसको हम लोग डिस्करेज करेंगे थोड़ा सा। सेल थ्योरी पे अगर बातचीत करें तो सेल थ्योरी जो होगा वो सेल थ्योरी आपको दो लोगों का नाम उसमें आएगा, स्लाइडन और स्वान का, प्लस रिडोल्फ विर्को, तीन लोग कहिए कि तीन लोगों का नाम आएगा सेल थ्योरी के मूल स्वरूप में प्रपोज करने वालों का। सेल थ्योरी का जो मूल स्वरूप था दैट वाज प्रपोज बाय स्लाइडन स्वान, और उसमें एक स्टेटमेंट जो था दैट वाज गिवन बाय रिडोल्फ विर्को। इसमें आप लेकर के देखें तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें भी बताया गया है। अगर आप माल्थस स्लाइडन को लेकर के देखें 1838 में, ही ऑब्जर्व्ड ए नंबर ऑफ प्लांट्स, और उन ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
उन्होंने ये बात कही कि जो प्लांट होंगे वो अलग अलग तरह के सेल्स के बने होंगे और ये जो सेल्स होंगे डेफिनेटली दे विल बी कंस्टिट्यूटिंग द टिश्यू। एट द सेम टाइम, मोर और लेस एट द सेम टाइम 1839 में जो स्वेन थे उन्होंने एनिमल को स्टडी, वो उस समय एनिमल को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि एनिमल बॉडी को जो सेल बना रहे हैं एवरी सेल इज सराउंडेड बाई थिन फिल्म लाइक डायनेमिक स्ट्रक्चर, और उस थिन डायनेमिक जो स्ट्रक्चर थी फिल्म लाइक उसको कहा गया कि ये क्या होगा, दैट विल बी नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्क्वेन ने प्लांट को भी जो स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि जो सेल प्लांट को बना रहे हैं उन सेल्स में एक वाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उन्होंने रिपोर्ट किया इस बात को कि प्लांट सेल में एक वाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, एंड सच वाल लाइक स्ट्रक्चर वॉज नॉट रिपोर्टेड बाई हिम इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि जो प्लांट के सेल होंगे उन प्लांट के सेल में एक वाल की तरह की रचना आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन एनिमल सेल में इस तरह के वाल की तरह की कोई रचना रिपोर्ट नहीं की गई स्क्वेन के द्वारा। दूसरा जो एस्पेक्ट इसमें लेकर के देखेंगे कि स्क्वेन ने अपने इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये प्रपोज किया कि जो प्लांट और एनिमल बॉडीज होंगे दे विल बी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। स्क्वेन ने ये बात कही कि जो प्लांट बॉडी होगा, जो एनिमल बॉडी होगा, दे विल बी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ सेल्स के बने होंगे, उन्होंने ये बात भी कही कि सेल के साथ साथ जो सर्टेन प्रोडक्ट्स होंगे उनका भी ये बना हुआ होगा। बाद में स्लाइडन और स्क्वेन ने अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर किया, डिस्कस किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने अपने आइडियाज को कंबाइन करके सेल थ्योरी प्रपोज किया। बट इन दैट सेल थ्योरी वन फैक्ट वाज मिसिंग, एक जो फैक्ट था वो मिसिंग था, और फैक्ट क्या था, तो फैक्ट ये था कि फ्रॉम वेयर इज सेल डेवलप्स, कहां से कोई सेल डेवलप करेगा, एंड दिस फैक्ट वाज रिवील्ड बाय, इस फैक्ट को बताया गया रिडोल्फ विर्गो के द्वारा, और रिडोल्फ विर्गो ने ये कहा कि ए सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल पहले से मौजूद सेल से डेवलप करेगा, सेल में डिवीजन के द्वारा डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और इस स्टेटमेंट को स्लाइडन स्क्वेन के स्टेटमेंट के साथ जोड़ करके सेल थ्योरी का मूल स्वरूप प्रतिपादित हुआ। ऑब्वियसली इस सेल थ्योरी में हम लोग कहेंगे कि जो सेल और उनके प्रोडक्ट होंगे दे विल कंस्टिट्यूट एनी लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग को बनाने में सेल और उसके प्रोडक्ट शामिल होने जा रहे हैं, और जो सेल होगा दैट विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल के, ये जो सेल का मूल स्वरूप यही है, लेकिन आज की तारीख में मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज देयर। उस मॉडिफाइड सेल थ्योरी में ये दोनों स्टेटमेंट तो आपको दिखेंगे, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के अलावा और भी कई सारी बातें वहां पे आपको दिखनी जा रही हैं। अब कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा, पहली बात तो यही होगी कि एवरी लिविंग बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल के साथ साथ उनके प्रोडक्ट भी किसी लिविंग बीइंग को बनाएंगे। दूसरी बात कि जो भी लिविंग सेल्स होंगे दे विल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल होगा वो पहले से मौजूद सेल से विकसित होगा। तीसरी बात आप लेकर के देखेंगे कि सेल वुड ऑलवेज सर्व एज फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग का वो फंक्शनल यूनिट होगा। इसे हम लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सेल बीइंग द फंक्शनल यूनिट, दोनों बात एक ही होने जा रही है। चौथी बात ये कही गई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले तमाम कोशिकाओं की एक्टिविटी का कुल योग मैनिफेस्ट होगा उस ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी के तौर पर। एक और बात देखेंगे कि देयर विल बी एनर्जी फ्लो, आपको सेल के अंदर एनर्जी फ्लो भी क्या होगा दिखाई पड़ने जा रहा है। इसके बाद जो तथ्य आएगा उसमें शामिल होगा कि सेल्स जो होंगे उनके पास डीएनए होगा, और डीएनए जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस एज पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम। सेल के पास डीएनए होगा और ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा एज पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। आरएनए वो न्यूक्लियस में भी होगा और साइटोप्लाज्म में भी होने जा रहा है। उसके बाद अगर लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि जितने भी तरह के सेल्स होंगे, ये प्रोकैरियोटिक से लेके किसी भी तरह का यूकैरियोटिक सेल भी अगर लेकर के देखें, देन विल फाइंड ऑल दिस सेल्स आर प्रैक्टिकली आइडेंटिकल एट केमिकल लेवल,
रासायनिक स्तर पे ये तमाम कोशिकाएं बिल्कुल एक तरह की आपको दिखाई पड़ने जा रही हैं। एंड फाइनली आप ये देखेंगे कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, दैट विल बी पास्ड फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट। जो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, वो जिम्मेवार होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट। एक सेल से दूसरे सेल तक तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा, किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि इस सेल थ्योरी में जितनी भी बातें कही गई, मॉडिफाइड सेल थ्योरी हो या सेल थ्योरी का मूल स्वरूप हो, उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए जाएं, ये स्टेटमेंट क्वाइट सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट व्हेनेवर साइटोलॉजी इज टॉट, जब कभी भी साइटोलॉजी पढ़ाया जाता है, ऑलवेज द फर्स्ट डिस्कशन इज ऑन सेल थ्योरी। हमेशा पहला डिस्कशन सेल थ्योरी पे होता है। एक सहज सा प्रश्न खड़ा होगा कि क्यों सेल थ्योरी पे चर्चा इतनी आवश्यक क्यों है, तो उसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि सेल थ्योरी वन ऑफ यूनिफाइंग कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी, जो लाइफ साइंसेज होगा उस लाइफ साइंसेज का एक यूनिफाइंग कंसेप्ट में इसको भी शामिल किया गया है। इट इज वन ऑफ यूनिफाइंग कंसेप्ट इन लाइफ साइंसेज। देखो, साइंस जो है हमेशा वो पिरामिडल तरीके से बढ़ता है। चीजें लोअर लेवल पे माइट बी कि काफी डाइवर्स दिखें, जो चीजों में विविधता, जो तमाम ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें विविधता जो आपको दिखती है, उस विविधता के पीछे, उस डाइवर्सिटी के पीछे एक अंडरलाइंग यूनिटी आपको दिखती है, और सेल थ्योरी भी उस अंडरलाइंग यूनिटी की तरफ संकेत करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगेन आई रिपीट इट कि एट लोअर लेवल यू आर गोइंग टू फाइंड ए ह्यूज डाइवर्सिटी। आप देखते हैं कि ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमालिया है, फंजाई है, लेकिन अब ये जो तमाम अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर आप लेकर के देखें, तो एट एन इन नंबर ऑफ केसेस दे विल बी शोइंग सिमिलैरिटी, एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वेयर यू विल फाइंड द सिमिलैरिटी इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट किसी भी किंगडम के मेंबर पे लागू होता है, उसमें जो सेल्स होंगे उन सबके ऊपर ये आर्गूमेंट जो होंगे वो लागू होंगे। एंड प्रिसाइजली फॉर दैट रीजन जब कभी भी सेल पे चर्चा की जाएगी, तो निश्चित तौर पे सेल थ्योरी को सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। एक प्रश्न और भी खड़ा होता है, कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि वायरसेस पे क्यों नहीं लागू होता है, तो जब वायरसेस आप डिटेल करेंगे, उस समय आप देखेंगे कि जो वायरसेस होते हैं दे आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता ही नहीं है। वायरस ऐसी रचना नहीं है विच इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देर इज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देर इज नो साइटोप्लाज्म, देर इज नो एंजाइम सिस्टम फॉर मेटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म उसके पास नहीं है, साइटोप्लाज्म उसके पास नहीं है, सेल उसके पास नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो फिर सेल थ्योरी उस पर कैसे अप्लाई आप करेंगे, वो सेल थ्योरी उस पर अप्लाई होता भी नहीं। और वायरस को हम लोग कहते हैं कि वायरसेस आर सो यूनिक दैट दे आर वायरसेस, वो इतने यूनिक हैं कि वी हैव नथिंग टू कंपेयर देम विथ, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको जिसकी मदद से हम वायरस को कंपेयर कर सकें। दे आर यूनिक, वो जो हैं वो जब होस्ट में अपने जाएंगे देन दे विल अंडरगो रिप्लिकेशन, होस्ट के बाहर रहेंगे तो वो बिल्कुल फिजिकल एंटिटी के रूप में, क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखाई पड़ने जा रहे हैं। तो वायरसेस पे क्यों नहीं सेल थ्योरी लागू होता, उसका सिंपल सा आर्गुमेंट यही होगा कि वायरसेस नेवर शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अब आप यहाँ से स्विच ओवर करेंगे जिस मुद्दे पे, वो होने जा रहा है कि कितने तरह की कोशिकाएं होंगी। तो देखो, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सेल। एक को हम लोग कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, दूसरे को कहेंगे कि यू कैरियोटिक सेल होगा। द वर्ड कैरियन, जब कभी भी हम लोग कैरियन की बात करते हैं, तो कैरियन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस। जब भी हम चर्चा करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब होता है कि वी आर रेफरिंग टू न्यूक्लियस। तो अगर सिंपल एक स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करें, तो हमारा स्टेटमेंट ये होगा कि द सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस, यू स्टैंड्स फॉर ट्रू, यू का मतलब होगा ट्रू, जैसे यू आप कहते हैं, जैसे यहाँ कहा ना गया कि यू, तो यू का मतलब होगा ट्रू, तो वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि द सेल वुड हैव ए न्यूक्लियस
और वो ट्रू न्यूक्लियस तब कहलाएगा व्हेन इट इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, एक मतलब उस न्यूक्लियस में निश्चित तौर पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस रचना को जिसे न्यूक्लियस हम लोग कहने जा रहे हैं उसको वो सराउंड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात आप कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई रचना आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जिसे आप प्रो कहते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक, तो निश्चित तौर पे यहाँ प्रिमिटिव या जो ट्रू न्यूक्लियस होगा दैट वुड नॉट बी देयर। वहां पे आप देखिएगा कि जो ट्रू न्यूक्लियस होगा वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें जेनेटिक मटीरियल नहीं होने जा रहा। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस सेल के अंदर वो रीजन होता है जहां जेनेटिक मटीरियल को कन्फाइन किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा? जवाब है कि होगा। तो whether that genetic material has been separated from cytoplasm with the help of membrane, answer is no। तो कोई ऐसी कोशिका जिसमें जेनेटिक मटेरियल कन्फाइंड नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से या न्यूक्लियर इन्वेलप से उसको नहीं घेरा गया है, तो उस सेल को कहेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। हालांकि इस आर्गुमेंट को थोड़ा एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं, वो सेल जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल और सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सेल जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसे कहने जा रहे हैं? तो सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम लोग वैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होगा। देयर विल बी बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे अगर आप लेकर के देखें तो ये जैसे एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हुआ, इस तरह के ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हो गए और इनका मैंने कहा कि बाइलेयर, मैंने इनका दो लेयर, मैं इनके दो लेयर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और बीच में मैं जगह जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोटीन, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ये मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और जो अब जो रचनाएं मैं बना रहा हूं, इन रचनाओं को लेकर के देखें, देन विल फाइंड कि ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये रचना जो होगी इसे कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटीन है। ये रचना कहलाएगी कि ये क्या है, प्रोटीन है। इन मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। मैं ये दिखा रहा हूं कि फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव बीन अरेंज्ड इन टू लेयर्स। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव बीन अरेंज्ड इन टू लेयर्स एंड इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अब ये जो होगा, जो मेम्ब्रेन ये बनाएंगे, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा इस तरह की रचना दिखाई जाएगी उसी को कहेंगे कि वो सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स द मेम्ब्रेन विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और मैंने कहा कि जिस पार्टिकुलर सेल में सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। न्यूक्लियस दैट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होगा। न्यूक्लियस दैट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियन सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, एवरी स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंगल मेम्ब्रेन। ऑब्वियस है कि इसमें से कोई भी ये रचना आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल हैज सच सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस विद टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट विद टू मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन विद टू मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद वन मेम्ब्रेन, वैक्यूल विद वन मेम्ब्रेन, माइक्रोबॉडी विद वन मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी विद वन मेम्ब्रेन, ऑल सच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शुड बी देयर। इफ सच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट द सेल इज यूकैरियोटिक, अदरवाइज जो सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। पूरे इस पूरे डिस्क्रिप्शन में एक वाक्य आप दे सकते हैं कि इफ कंपार्टमेंटलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज बीन मेट द सेल इज यूकैरियोटिक, सेल विदाउट कंपार्टमेंटलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन
विदाउट, तो कहेंगे कि ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होने जा रहे हैं। एक शब्द और भी आप देखेंगे कि नॉर्मली आता है, वो होगा मेसोकैरियन। ये मेसोकैरियन शब्द दिया गया डॉडजे के द्वारा टू रेफर द न्यूक्लियस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। प्रोटिस्टा में एक प्रोड्यूसर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, एक फोटोऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वाल होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसका वो सेल तो होगा यूकैरियोटिक, बट इट्स न्यूक्लियस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या डिफरेंस है। तो देखो, पहला डिफरेंस तो यही होगा कि सेल इंटरफेस में होने के बावजूद भी अब मतलब जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में आपको कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे एक तथ्य आप दिमाग में रखिए कि जब सेल इंटरफेस में होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस वन इज ए सेल, तो इस सेल को लेकर के देखें तो ये इंटरफेस अवस्था में अगर है तो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस हो गया, सपोज इस तरह का एक न्यूक्लियस उसके पास है। तो ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में व्हाट विल फाइंड, आप क्या देखिएगा, तो ये जो न्यूक्लियस, मैंने कहा कि ये एक सेल है और ये जो रचना है, इस रचना को मैं कह रहा हूं कि ये क्या होगा, वी रेफर दिस स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियस, और इसके अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, विल फाइंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिम एज क्रोमैटिन। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा, व्हेन द सेल वुड इंटर एम फेज, जब वो डिवीजन वाले फेज में जाएगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर करेगा और ये जो क्रोमेटीन फाइबर्स होंगे, ये क्रोमेटीन फाइबर्स दे कंडेंस, ये कंडेंस करेंगे, इनमें कंडेंस करेंगे ये क्वाइल करेंगे, और ये कंडेंस और क्वाइल करके दे विल फॉर्म क्रोमोसोम। वो कंडेंस और क्वाइल करके क्या बनाएंगे, तो क्रोमोसोम बनाने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्रोमेटीन फाइबर जो है वो कैसी रचना होगी, तो वो क्रोमेटीन फाइबर आप देखें तो ये ऐसी रचना, ये सपोज क्रोमेटीन फाइबर है, सपोज दिस वन इज द क्रोमेटीन फाइबर, ये क्रोमेटीन फाइबर हुआ। क्रोमोसोम कैसी रचना होगी, तो क्रोमोसोम जो होगा वो इस तरह की कंपैक्ट स्ट्रक्चर होने जा रही है। आप देखें दोनों में फर्क देखें कि एक लंबा थ्रेड की तरह का है, देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटीन फाइबर, एंड इफ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंडरगोज कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग, देन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर वुड बी नोन एज क्रोमोसोम। बट व्हेन क्रोमोसोम वुड अपीयर, the chromosomes would appear only during M phase, that means the cell must undergo division, cell को निश्चित तौर पर division में प्रवेश करना होगा, cell को निश्चित तौर पर divide करना होगा, cell अगर divide करेगा तभी आपको chromosomes दिखाई पड़ेंगे, otherwise chromosomes आपको नहीं देखने जा रहे हैं। लेकिन जो dinoflagellates होंगे, उन dinoflagellates में मैं कह रहा हूँ कि cell is an interphase, and cell being an interphase, the nucleus is having chromosome, unlike other cells. यदि cell interphase में है, then its nucleus is supposed to have, क्या होना चाहिए था, क्रोमेटीन फाइबर्स इट शुड हैव, बट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, क्रोमेटीन फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ आपको क्रोमोजोम्स दिख रहे हैं। जब आगे आप क्रोमेटीन और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, देयर यू विल फाइंड कि जो क्रोमेटीन होगा उसको बनाने वाला न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होता है, और एवरी न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल हैज डीएनए प्लस हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन। अब यहाँ दोनों ही चीजें, न तो हिस्टोन होगा और न न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होने जा रहे हैं, न तो हिस्टोन होगा और न ही न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स होंगे, अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट। और तीसरी बात कि डीएनए जो होगा, उस डीएनए में चार तरह के बेसिस होंगे, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। यहां पे आप देखिएगा कि थायमिन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय 5-hydroxymethyluracil। मैंने कहा कि डीएनए में चार तरह की बेसिस होंगी, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। What you are going to observe here? आप यहाँ पे ये observe करेंगे कि thymine has been substituted by 5-hydroxymethyluracil. तो these are four important differences. Mesokaryon इन चार मामलों में बाकी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस से अलग होने जा रहा है। नंबर वन, इंटरफेज में सेल के होने के बावजूद भी क्रोमेटीन फाइबर के स्थान पे क्रोमोसोम दिखेंगे, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल नहीं होगा, हिस्टोन नहीं होगा, एंड देयर इज वेरी प्रोनाउंस्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ थायमिन बाय 5-hydroxymethyl
यूरासिल, ये कोई थॉट टाइप ऑफ दी सेल नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक यूकैरियोटिक सेल जो बाकी यूकैरियोटिक सेल से शार्पली डिफरेंट होने जा रहा है। नाउ वी शिफ्ट टू शेप एंड साइज। देखो जब कभी भी शेप और साइज की बात होती है तो शेप पे तो नहीं लेकिन साइज पे निश्चित तौर पे आपके दिमाग में बिल्कुल कौंधने लगता है कि सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच। दूसरी बात कि जो सबसे लंबा सेल होगा, एक तो गूंजेगा कि ऑस्ट्रिच का एग, ये सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगी जैसे ही साइज की बात होगी। ऑस्ट्रिच एग द लार्जेस्ट सेल, जो सबसे बड़ा सेल होगा, द लार्जेस्ट सेल। दूसरी बात अगर लेकर के देखें PPLO, द स्मॉलेस्ट सेल। और तीसरी बात लेकर के देखें न्यूरॉन्स, तो इनके बारे में आप पाइएगा कि द लॉन्गेस्ट सेल। और ये तीनों चीजें अगर याद हैं तो आपको लगता है कि साइज का सारा इशू समाप्त हो गया। मैं यहीं पे आपसे स्ट्रांगली डिफर करूंगा, ये बातें याद हैं, वेल एंड गुड, कोई क्रेडिट नहीं आपको, ऐसा नहीं है कि आपसे क्रेडिट कोई ले रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ी क्रेडिट भी आपको नहीं दी जाएगी। ये बात तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ रहा है कि ऑस्ट्रिच का, उसको भी ये बात रट्टा दिला दी गई है कि ऑस्ट्रिच के एक सबसे बड़े एक के रूप में, पर सबसे बड़े सेल के उदाहरण है। ये बात तो आप फिफ्थ नहीं रहता, छोटे बच्चे जो टीवी शो में आते हैं उनको भी पता होता है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे, पॉइंट क्या है ये समझने की कोशिश। लेकिन साइज के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के पहले सबसे पहली बात की शेप का क्या इशू। तो देखो शेप इज हाईली वेरिएबल, जो शेप होगा सेल का दैट विल बी हाईली वेरिएबल। नॉर्मली शेप इज डिटरमाइंड दैट विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ द फंक्शन दैट विल बी कैरिड आउट बाय द सेल। सेल किस तरह का काम करेगा वो इस बात को डिसाइड करेगा कि सेल का शेप क्या होने जा रहा है। और मैंने कहा कि ये हाईली वेरिएबल होगा, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल एक पार्टिकुलर तरह का, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल एक पार्टिकुलर तरह का शेप दिखाएगा। जैसे आप अपने आरबीसी की बात करें तो आपका जो आरबीसी है वो बिल्कुल बाई कनकेव इस तरह का दिखाई पड़ेगा। अगर आप मैक्रोफाजेस की बात करें तो ये माइक्रोफाजेस एमीबॉइड, जैसे ये आरबीसी हो गया, और अगर हम मैक्रोफाजेस को लेकर के देखें तो ये मैक्रोफाजेस ऐसे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने अभी न्यूरॉन्स को लेकर के देखा, तो अगर न्यूरॉन्स को लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि न्यूरॉन्स जो होंगे वो न्यूरॉन्स कुछ इस तरह के आपको दिखने जा रहे हैं, दे विल लुक लाइक दिस, वो कुछ इस तरह का दिखने जा रहे हैं। अब अगर आप बात कीजिए कि कोई इपिथीलियल सेल अगर है तो वो इपिथीलियल सेल कैसा दिखेगा, तो जैसे ये न्यूरॉन हो गया, अगर इपिथीलियल सेल की बात करें तो ये इपिथीलियल सेल साइडवाइज ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे, ये साइडवाइज ऐसे दिखाई पड़ेगा। और अगर सरफेस व्यू लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि ये सेल इस तरीके के दिखने जा रहे हैं। जैसे ये स्क्वामस एपिथीलियम अगर है तो स्क्वामस एपिथीलियम के सेल ऐसे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये कॉलमनार एपिथीलियम हो जाए तो कॉलमनार एपिथीलियम में आप लेकर के देखिएगा कि इट विल लुक लाइक दिस, कॉलमनार एपिथीलियम जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो मैं बस एक सिंपल सी बात निकाल रहा हूँ, कॉलमनार एपिथीलियम के सेल ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप लेकर के देखें, अगर स्मूथ मसल फाइबर को लेकर के देखें तो स्मूथ मसल फाइबर जो होगा वो इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। तो जस्ट ए फ्यू कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे आपको दे दिया कि अगर शेप की बात करें तो आप देखिए कि यहीं पे कितनी ह्यूज डाइवर्सिटी आपको दिखने जा रही है। यू विल फाइंड ह्यूज डाइवर्सिटी। आप अपने कार्डियक जो मसल हैं उसके मसल फाइबर सेल को लेकर के देखें, या स्केल्टल मसल को लेकर के देखें, या आप माइक्रोग्लियल सेल को लेकर के देखें, किसी तरह के ल्यूकोसाइट्स को लेकर के देखें, न्यूरॉन्स को लेकर के देखें, तो कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी, सब अलग अलग तरह की कोशिकाएँ होंगी। पॉइंट, सेल का शेप हाईली वेरिएबल होगा। अब रही बात कि साइज का क्या इशू है, तो देखो साइज यूजुअली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सामान्यतः जो सेल्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। और जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें आप लेकर के देखेंगे कि ये 1 से 2 माइक्रोमीटर लंबे होने जा रहे हैं। ये जो होंगे वो
एक से दो माइक्रोमीटर लंबे होंगे, और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू विल फाइंड कि ये 10 से 30 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा, देयर डायमीटर वुड वेरी बिटवीन 10 टू 30 माइक्रोमीटर। दूसरी बात कि कोई सेल जो है उसका लोअर वॉल्यूम कितना हो सकता है, लोअर लिमिट किस बात पे निर्भर करेगा। देखो ये जो एक बात जनरल स्टेटमेंट आपको दे दिया गया कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, तो यूज व्हाई सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑन व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट सेल्स वुड बी माइक्रोस्कोपिक, तो ये लॉजिक आपको, ये आर्गुमेंट्स आपको पकड़ने होंगे। तो अब जैसे सेल कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, तो लोअर लिमिट वुड बी डिटरमाइंड बाय द स्पेस that would be occupied by the minimum number of molecules essential for survival of this cell. किसी सेल के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, दैट विल डिटरमाइन द लोअर मोस्ट लिमिट। वो जो होगा वो लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ द, या लोअर मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द सेल को डिटरमाइन करेगा। आई रिपीट इट कि किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब वो जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, हाउ मच स्पेस दे विल ऑक्यूपाई, दैट विल डिटरमाइन द लोअर लिमिट ऑफ ए सेल। वट अबाउट द अपर लिमिट? देखो सेल कभी भी एक ओपन सिस्टम होता है, सेल कभी भी आप लेकर के देखोगे कि ये क्या होगा, तो इट विल बी ओपन सिस्टम। उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, ओपन सिस्टम होने जा रहा है, दैट विल बी ओपन सिस्टम। वो जो होगा वो ओपन सिस्टम होने जा रहा है। अब जब ओपन सिस्टम की बात होगी, जब कभी भी आप देखिएगा कि ये ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम का मतलब होगा कि दैट विल एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। वो अपने सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी को क्या करेगा, एक्सचेंज करने जा रहा है, दैट विल एक्सचेंज मैटर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। और जो मैटर का एक्सचेंज होगा, नॉर्मली मैटर का एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के जरिए, सेल सरफेस के माध्यम से ये एक्सचेंज होने जा रहा है। अब ये सेल सरफेस के माध्यम से अगर एक्सचेंज आप देख रहे हैं, सेल सरफेस के माध्यम से अगर ये एक्सचेंज होगा, और मैंने कहा कि प्रक्रियाएं तो कई हो सकती हैं, बट मेन प्रोसेस इज डिफ्यूजन। मुख्य प्रक्रिया जो होगी वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होने जा रही है, जो मुख्य प्रक्रिया होगी वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगी, और सेल सरफेस के क्रॉस ही ये एक्सचेंज होने जा रहा है, मतलब ये डिफ्यूजन जो होगा सेल सरफेस के क्रॉस होगा। तो डिफ्यूजन प्राइमरीली किस बात पर निर्भर करेगा, एक सरफेस एरिया कितना है, और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, जो चीज़ अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रही है वो वहां पे उसके लिए ग्रेडियंट कंसंट्रेशन का कितना बड़ा है, डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड उसके कंसंट्रेशन में कितना बड़ा है, और कितना सरफेस एरिया उपलब्ध। अब ये दोनों बातें जो होंगी वो डिसाइड करेंगी कि सेल का वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो देखोगे कि जो सेल का वॉल्यूम होगा, मतलब सेल कितना बड़ा हो सकता है, ये जो होगा वो प्राइमरीली इस बात पे निर्भर करेगा कि व्हाट द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो क्या होने जा रहा है। तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम की बात होगी, उसमें आप देखिएगा कि सेल जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा उसके लिए सरफेस एरिया होगा। विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ दिस सेल, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर द गिवन वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य को सामान्यतः बच्चों के गले के नीचे ये बात नहीं उतरती है। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा क्यूब का एग्जाम्पल मैं हमेशा साइट करता हूँ। जैसे ये आप क्यूब ले लो, और इस क्यूब का हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये अगर क्यूब हो गया, तो इस क्यूब का साइड मान लीजिए कि ये साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा ये हमेशा होता है साइड का क्यूब के बराबर। और सरफेस एरिया क्या होगा, तो जो सरफेस एरिया होगा ऑफ क्यूब ये होगा, इसमें 6 सरफेसेस होती हैं, तो 6 × साइड स्क्वायर। अब आप लेकर के देखिए कि कंडीशन वन में क्या होगा। तो पहले कंडीशन में हम लोग लेके देखें कि साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब यानी 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया वुड बी 6 × 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया
टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, तो 54:27 यानी 2:1 यानी यूनिट वॉल्यूम के लिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया उपलब्ध होगा। कंडीशन नंबर टू में आप मानिए कि साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 2 का क्यूब 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होगा, 6 × 2² 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम 24:8 यानी 3:1 मतलब हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडीशन नंबर थ्री अब इस कंडीशन को लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि साइड को ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब = 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ले लेंगे कि 6 × 1² ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 6:1। पॉइंट इज क्वाइट क्लियर कि यदि 3 सेंटीमीटर से आपने वॉल्यूम को घट 3 सेंटीमीटर से किसी क्यूब के साइड को घटा के अगर 1 सेंटीमीटर कर दें, तो 3 सेंटीमीटर के स्टेज में आप देखेंगे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया उपलब्ध है। लेकिन जब आप वॉल्यूम जब साइड आप घटा देते हैं, जब उसका साइज रेदर घट जाता है, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पॉइंट क्या निकल रहा है, पॉइंट ये निकल रहा है कि जैसे जैसे आप साइज घटाएंगे, जैसे जैसे आपके द्वारा साइज घटाया जाएगा, वैसे वैसे फॉर गिवन वॉल्यूम अवेलेबल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होने जा रहा है, जो अवेलेबल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो ये जो अवेलेबल सरफेस एरिया होगा वो बढ़ेगा विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, विद डिक्रीज इन साइज देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप सेल को लेकर के देखें जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो निश्चित तौर पे आप पाइएगा, अगर आप ये लेकर के देख रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि निश्चित तौर पे उस गिवन वॉल्यूम ऑफ द सेल के लिए आप पाइएगा कि सरफेस एरिया वुड बी वेरी एडिक्वेट, वेरी लार्ज वन। तो कभी भी प्रकृति ने अगर सेल को माइक्रोस्कोपिक बनाया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक ये है, उसके पीछे रैशनल या रीजन ये है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाया जाए ताकि सेल के सर्वाइवल के लिए जितने सब्सटेंसेस की जरूरत हो वो चीजें जितने सरफेस एरिया के जरिए उपलब्ध हो सके उतना सरफेस एरिया वहां पे रहे। तो बस एक लाइन आप याद रखिए कि अगर सेल को प्रकृति ने माइक्रोस्कोपिक रखा है तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो सिर्फ ये है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा हो, ज्यादा रहे। लेकिन अगर यही लॉजिक है तो क्या प्रकृति में पाए जाने वाले सारे सेल छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं? आंसर यही है कि नहीं। 3 अच्छे एक्सेप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, यू विल फाइंड वेरी गुड एक्सेप्शंस टू दिस पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यूजुअली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन आप 3 केसेस लेकर के देखिएगा। एक केस होगा आपको ऑस्ट्रिच एग का, एग्स आर यूजुअली लार्ज, उसमें ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा है। दूसरी बात आप लेकर के देखेंगे न्यूरॉन्स, दे आर रियली वेरी लॉन्ग सेल्स। और तीसरी बात आप देखेंगे नाइटेला, एक जाइंट अलगा होता है, उसके सेल को लेकर के देखें तो वहां पे भी आपको दिखाई पड़ेगा कि वो सेल छोटा तो कतई नहीं है। अब रही बात कि देन ये सेल्स अगर माइक्रोस्कोपिक नहीं है तो हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, तो उसके पीछे आप आर्गुमेंट्स जो हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम बात करें कि ये ऑस्ट्रिच का एग है,
तो इस ऑस्ट्रिच के एग में आप देखेंगे कि लिविंग साइटोप्लाज्म जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। लिविंग जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही छोटा होने जा रहा है, जो लिविंग साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा जो इसका होगा वो हिस्सा योक का बना होगा। वो बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा ये बना होगा किसका, ये योक का हिस्सा होगा, और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये लिविंग साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा। तो इतने बड़े सेल में अगर सस्टेन करने के लिए बहुत ही छोटा हिस्सा अगर है तो कहीं कोई इशू नहीं होगा उसके सर्वाइवल के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रिच एग में इतना सब कुछ जिंदा है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा योक का होगा और बहुत ही छोटा हिस्सा लिविंग प्रोटोप्लाज्म के रूप में आपको क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप न्यूरॉन्स की बात करें तो अभी मैंने न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया था, और उस न्यूरॉन को लेकर के अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि नॉर्मली न्यूरॉन्स आपको इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अब न्यूरॉन को अगर आपने ध्यान से देखा है तो यू विल फाइंड कि वेरी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रखने वाले इसमें प्रोसेसेस दिखाई पड़ेंगे। यू विल फाइंड वेरी एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड प्रोसेसेस विच एग्जिस्ट इन न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन में बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे ब्रांचिंग दिखाने वाले प्रोसेसेस होंगे। तो भले ही ये जैसे ये एग रहा, ऑस्ट्रिच का ये एग रहा और ये जो सेल हुआ ये हो गया न्यूरॉन्स। अगर आप न्यूरॉन को लेकर के देखें तो मैंने कहा कि बहुत एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड ये होगा। तो अगर ये इतना एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होगा तो नेचुरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस द ओवरऑल सरफेस एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली। सरफेस एरिया उन प्रोसेसेस की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भले ही सेल बहुत लंबा है, अगर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे तो निश्चित तौर पर सरफेस एरिया वुड बिकम वेरी लार्ज एंड देयर विल बी नो डिफिकल्टी एट ऑल फॉर सच सेल टू सर्वाइव। और इसके बाद अगर लेकर के आप देखें देन यू विल फाइंड इसके बाद अगर लेकर के देखें तब वो आप पाइएगा, तब आपको ये बात दिखाई पड़ेगी कि नाइटेला की बात अगर करें, तीसरा जो एग्जांपल है, सपोज अगर ये सेल है तो देखो नाइटेला बड़ा सेल है और इसमें इस तरह के प्रोसेसेस भी नहीं होंगे, तो कोई भी चीज़ अगर अंदर आ रही है, कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर आ रहा है तो वो चीज़ मान लो कि इसके अंदर आया तो वो चीज़ आने के बाद यहीं पे अटक सकता है। वो चीज़ जो होगा वो जहां आया वहीं पे अगर रह जाए तो कुछ ही समय के बाद उस चीज़ की एंट्री जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी स्टॉप्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ अंदर आती रहे तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको निश्चित तौर पे इन चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। एंड हाउ दे कैन बी रिमूव्ड, तो एक प्रक्रिया होगी जिसमें साइटोप्लाज्म जो होगा दैट विल मूव, एक प्रक्रिया होगी जिसमें आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो होगा दैट विल मूव, और साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होगा उसको साइक्लोसिस या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। वी रेफर दैट वन एज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसे कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होने जा रहा है। तो कोई चीज़ अगर आया तो वो तभी तक अंदर आएगा जब ग्रेडियंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर कोई चीज़ अंदर आई और यहीं रुक जाए तो धीरे धीरे दोनों के बीच का ग्रेडियंट खत्म होगा। जैसे ही ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होगा द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ द सब्सटेंस वुड स्टॉप। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को वहाँ से हटाइए, और हटाने के लिए प्रकृति ने वहाँ पर रखा हुआ है क्या चीज़, साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म वहाँ पर मूव करता है काफ़ी तेजी से, साइक्लोसिस या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहेंगे। तो साइक्लोसिस या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा एंड दैट विल इंश्योर ए वेरी गुड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। किसी चीज़ के डिफ्यूजन के द्वारा एंट्री के लिए जो दूसरी शर्त थी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बरकरार रखना, साइक्लोसिस ये काम करेगा और इस वजह से बड़े मज़े में ये सेल जो होगा सर्वाइव कर पाएंगे। तो सेल भले ही लार्ज हो लेकिन वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन या तो वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे या बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ही छोटा हिस्सा उनको मेंटेन करना होगा, या फिर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बरकरार रखने के लिए साइक्लोसिस जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब आप खुद यहाँ पे सोचिए कि सिर्फ ये सूचना काफ़ी है कि सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच, सबसे छोटा पीपीएलओ, सबसे लंबा न्यूरॉन, या फिर डायमेंशन के बारे में
आर्गुमेंट्स आपको पता हो, क्यों सबसे बड़ा, मैंने कैसे कोई सेल सेल जो है वो क्यों माइक्रोस्कोपिक ही रखे गए, लोअर लिमिट कैसे निर्धारित होगा और अपर लिमिट के लिए कौन सा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कोई ऐसा सेल अगर है जो इस रूल को डिफाई करता है तो फिर उसमें ऐसी कौन सी स्पेसिफिक बात विकसित की गई है जिसकी वजह से वो बड़ा होने के बावजूद भी सर्वाइव करता है। डेफिनेटली इस तरह के आर्गुमेंट्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वो डिस्कशन आपको लंबी दूरी तक मदद करने जा रहा है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब यही होता है। अब यहाँ से जो मुद्दा आता है वो मुद्दा यूनि और मल्टी सेलुलर का है। ये सिंपल सा मुद्दा है, ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल का बना हुआ है तो यूनि सेलुलर, एक से ज़्यादा का बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। जो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी तुलना में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कई सारे एडवांटेजेस हैं, तो उन्हीं एडवांटेजेस पे आपको बारी बारी से बातचीत करना है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके तमाम सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ेगा, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन वुड बी देयर। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखेगा। आप देखेंगे कि हम लोगों के केस में तो बाकायदा दो दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन अगर इस तरह का कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम नहीं भी है तब भी कोऑर्डिनेशन तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बीच में दिखने जा रहा है। दूसरी बात कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होंगे उनका इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्टेंस होगा और दे विल सर्वाइव एज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ड्यूअल एग्जिस्टेंस दे विल बी शोइंग। वो जो होगा एक इंडिविजुअल के रूप में भी और दूसरा एज पार्ट ऑफ टिश्यू भी उनकी सर्वाइवल होने जा रही है। इसके लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इधर आप यदि आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग है तो ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट है कुछ करने का, लेकिन अगर कोचिंग से लौटते वक्त आपने कोई घर के लिए कोई सब्जी खरीद ली या कोई खरीदारी करनी थी वो अगर आप करके आ रहे हैं जो कि घर के लिए एक काम था, तो कोचिंग आपने किया ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट था, और आपने घर के लिए कोई खरीदारी कर ली तो ये पार्ट ऑफ दी फैमिली के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपका एग्जिस्टेंस क्या होगा, ड्यूअल एग्जिस्टेंस होगा। तो किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल्स होंगे उनका ड्यूअल एग्जिस्टेंस होगा। अगली जो बातचीत होगी उसमें आप देखिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल की डेथ जो होगी दे विल बी रिप्लेस्ड। हम लोग अपना ही सेल अगर आरबीसी को लेकर के देखें तो आरबीसी कुछ ही समय के बाद, 3 महीनों के बाद, ये 120 दिनों के बाद उनकी डेथ होती है एंड दे आर रिप्लेस्ड। हम लोग का जो म्यूकोसल एपिथीलियम होगा उनकी डेथ होते रहती है और नए सेल्स आते रहते हैं। फिर उसके बाद देखें कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें अलग, मतलब उनका डिफरेंशिएशन सेल्स का होगा, तो सेल्स जब भी डिफरेंशिएट करेंगे, जब भी सेल डिफरेंशिएट करेंगे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सम बेसिक प्रॉपर्टीज मे बी लॉस्ट। देखो डिफरेंशिएशन का होता क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में परमानेंट डिफरेंसेस का अपीयर करना डिफरेंशिएशन है, इट्स ए जेनेटिक फेनोमेनन। लेकिन जब ये डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया में वन और मोर बेसिक प्रोसेसेस वुड बी लॉस्ट। जैसे न्यूरॉन्स और आरबीसी हम लोगों का फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स है, और ये फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होने की वजह से इनके डिवीजन की क्षमता ही पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब इसके बाद आप लेकर के देखें, मतलब यही दो सेल होंगे हम लोगों में, न्यूरॉन्स और आरबीसी, विच नेवर डिवाइड, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते। उसके बाद आप लेकर के देखिएगा कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा था, जैसे हमने कहा ना कि आरबीसी और न्यूरॉन फुल्ली टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है, क्या हर कोशिका पूरी तरह डिफरेंशिएटेड होगी, आंसर है नहीं। डिफरेंशिएशन की डिग्री होती है, कोई मतलब फुली टर्मिनली है और कोई लेस देन दैट, उससे कम भी हो सकता है। एंड फाइनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लॉन्गेविटी जो होगी वो ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन उनका होने जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा मैंने कवर कर दिया और आज यहीं पर मैं रुकूँगा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए और जो बातें आज आपको बताई गई उस पर काम करने की भी कोशिश कीजिएगा। आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से और आर्गुमेंट इंट्रोडक्शन में होंगे, तो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर होता है उसको खूब ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि आगे बिल्डअप करना आसान हो। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। Take care. Thank you.